हेलो दोस्तों, आज की एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिंद्रा ट्रियो इलेक्ट्रिक ऑटो के बारे में, जिसको 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं हमारी ऑटो को लिए हुए। तो 2 साल में आप देख सकते हैं किस तरह इसका लुक है। अभी यहाँ पर एक सीट थी, उसको निकाल कर हमने जो कंपनी की आई थी सीट, वही लगाई है, क्योंकि वो सीट जो है फट चुकी थी, तो दूसरी नई सीट बनवाना पड़ेगा। तो इसके टायरों की हालत भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ टायर की हालत कुछ इस तरह से हैं इसके। 2 साल में जो पीछे के 2 टायर हैं वो अभी मैंने नहीं बदले हैं दोस्तों। और इसको अब हम आज एक गांव को जाएंगे, इसका थोड़ा बहुत माइलेज भी चेक करेंगे कि कितने किलोमीटर ऑटो चलती है, वो भी आपको दिखाऊँगा इस वीडियो में कि इसमें माइलेज में कुछ फ़र्क आया है क्या 2 साल में, तो ये भी आपको जानने को मिलेगा। तो पहले इसको अभी ऑन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी 128 किलोमीटर चार्ज हो चुकी है ऑटो, तो जो 57,171 किलोमीटर अब तक चल चुकी है, 57,171 बैटरी परसेंटेज फुल है। और जो इसके सामने का टायर है उसका लुक कुछ इस तरह से, क्योंकि ये स्टेपनी है, इसको मैंने बदल दिया था क्योंकि सामने के टायर में एक होल हो चुका था, कीला चुभ गया था उसको, स्क्रू जो आता है वो चुभ गया था उसको, तो उसको बदलना पड़ा मुझको, फट गया था अंदर से। तो सामने की स्टेपनी लगाई है दोस्तों, सामने का टायर बिल्कुल ख़राब हो चुका था, पीछे के टायर अभी चलेंगे। ये देखिए, अभी हमने एक स्टेपनी भी ले ली है, क्योंकि गांव को जाने के समय अगर पंक्चर वगैरह होगा तो काम में आ जाएगी। जॉक भी ले लिया इसके साथ में, जॉक स्पैनर पाना जो भी आता है इसका। तो पीछे से आपको दिखाता हूँ इसके टायर वगैरह की एक बार फिर से कंडीशन। ये देखिए, टायर के हालात कुछ इस तरह के हैं, मुझे लगता है और 1 महीना 2 महीने चलेंगे अगर आराम से चलाएंगे तो। इसको बदलने का टाइम आ चुका है दोस्तों, फिर भी चल रहे हैं। मैं आराम से इसको और 1 महीना 2 महीने चलाने की कोशिश करूँगा, 2 महीने तो निकल जाएंगे। तो ये दोस्तों गाड़ी की कंडीशन है। तो यहाँ से अभी निकलते हैं, गांव चलना है हमको, जाना है, देखते हैं कितना किलोमीटर माइलेज देती है, आपको वो भी जानने को मिलेगा। आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, अभी हम घर से निकलकर आगे आ चुके हैं, देख सकते हैं अभी हम एक फ्लाईओवर चढ़ रहे हैं। तो अभी हमको एक गांव जाना है, एक फंक्शन है छोटा सा हमारे दोस्त का, ये कितने किलोमीटर चलती है वो भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों आज इस वीडियो में आपको, कि इससे भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसका माइलेज कुछ कम हुआ है या उतना ही दे रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत माइलेज कम हो गया होगा। देखेंगे क्या होता है दोस्तों, लॉन्ग ट्रिप में कितना बताती है। ऐसे तो हम अभी इस ऑटो में 3 पैसेंजर जा रहे हैं, तो इस हिसाब से कितना माइलेज देती है वो भी आपको दिखाऊँगा। देखिए, 120 किलोमीटर अभी बाकी हैं इसके, घर से निकले थे तो 128 किलोमीटर था, तो 128 किलोमीटर तो था, देखते हैं अभी 120 बचा है और कितने किलोमीटर माइलेज देती है दोस्तों। वन साइड का आपको पूरा दिखाऊंगा, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसका माइलेज अभी कितना दे रही है क्या नहीं। तो आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे आगे। दोस्तों, अभी हम थोड़ा रुके थे नाश्ता करने के लिए, इडली का नाश्ता करके निकलते हैं लाइट, एक और गांव पे रुकते हैं, वहां पे चाय ज़बरदस्त मिलती है, आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम सिटी के बाहर आ चुके हैं, देख सकते हैं तुअर के खेत, जो तुअर दाल होती है वो है, और यहां पर एक पेट्रोल पंप। जो ये नेशनल हाईवे है दोस्तों, तकरीबन सारी गाड़ियाँ वहाँ ट्रक वगैरह यहाँ पर खड़े रहते हैं। और देख सकते हैं जहाँ तक देखें आप, वहाँ ज़्यादातर तोर के ही खेत हैं, आपको इस साइड भी दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ज़्यादा तोर ही बिकती है, यानी तोर उगाते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर एक शायद गेस्ट हाउस है,
तो ऐसा कुछ रोड का व्यू है दोस्तों। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम फेमस है तीन कट लो हमारे को एक एम्प्टी कप दो तीन चार्ज एक एम्प्टी कप दो ले स्पेशल चाय एक सौ नौ और टोटल किलोमीटर भी आप देख सकते हैं। तो देखते हैं गाड़ी जाकर आती है कितने किलोमीटर इसका माइलेज दिखाती है, देखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ अभी कि इसका अभी माइलेज कितना आया है, कितने किलोमीटर अब तक ऑटो चला है। आपने जब सुबह में हम निकले थे तकरीबन 11 या 12 बज रहे थे तो तब देखा था आपने कि डिस्प्ले में कितना किलोमीटर था। तो अब इसके किलोमीटर देख लीजिए कि कितने बचे हैं। ये देखिए दोस्तों 83 किलोमीटर और ऑटो चलेगी ये, और जो टोटल किलोमीटर हुए हैं वो 57,217 किलोमीटर हैं, यानी 57,217 किलोमीटर। बैटरी परसेंट देख सकते हैं आप, दो बॉक्स बचे हैं सिर्फ। तो और ये 83 किलोमीटर चलेगी, मगर 83 किलोमीटर पूरा नहीं चलती है दोस्तों। तो इस हिसाब से हमारे जो किलोमीटर बचते हैं 128 था घर से निकले हुए, तो अब 46 या 47 के आसपास ये ऑटो चला है। तो आप इससे अंदाज़ा लग चुका होगा कि कितने किलोमीटर अब तक ऑटो चल चुकी है ये। ये हमारा मोबाइल चार्जर जो पहले वाला था वो गुम हो गया ऐसे ही छोड़ने से, पता नहीं किस कहाँ पे कॉल लेके गया, क्या हुआ पता नहीं, मगर इसको दूसरा लेना पड़ा मुझे। क्योंकि अगर ऐसे गांव वगैरह में आते हैं तो मोबाइल चार्जिंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ बन जाती है दोस्तों। तो आपने देख लिया कि किलोमीटर कितने हैं, माइलेज कितना दी है, क्योंकि इसको निकाले हुए 2 साल हो चुके हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप 2 साल के बाद भी इस गाड़ी का लुक कैसा है, क्योंकि मैं वन हैंड चलाता हूँ, किसी को देता नहीं हूँ, तो आराम से चला लेता हूँ। अभी तक ज़्यादा कुछ कहीं पर भी टच नहीं किया है मैंने, आप देख सकते हैं। ये देखिए थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ चुके हैं, मगर इतना बड़ा कोई ऐसा हुआ नहीं है कि इसको रिपेयर करवाना पड़े। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत लगा था। तो इस तरह कुछ इस गाड़ी का लुक है अभी भी। तो अगर आप वन हैंड चलाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर ज़्यादा ड्राइवर वगैरह को देते हैं तो बोल नहीं सकते दोस्तों, आपके चलाने में और दूसरों के चलाने में फ़र्क होता है। तो ये थी दोस्तों इस वीडियो के बारे में जानकारी। चलते चलते एक बात, अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक ऑटो लेना है तो आप अपनी मर्ज़ी से लीजिए, किसी के कहने पे मत लीजिए, आप खुद अपने हिसाब से ट्रायल देखिए। किसी भी कंपनी का ऑटो लेना है आपको, आप सर्विस कैसी है उसकी वो भी पता कीजिए कि इसकी सर्विस वगैरह सही है या नहीं। तो इसको जानते हुए आप कोई भी इलेक्ट्रिक ऑटो परचेस कीजिए, क्योंकि कोई कोई बोलते हैं कि इतना किलोमीटर चलती है उतना चलती है, आप वो मत देखें, आप खुद से अपने हिसाब से ही ट्रायल देखें, मेरा तो यही कहना है, क्योंकि पैसे हम लगाएंगे दोस्तों। तो अपने पैसे हैं तो हम ही को जवाबदारी लेनी होगी। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी इलेक्ट्रिक ऑटो परचेस कीजिए, बस उसकी सर्विस वगैरह कैसी है आप हमारे ड्राइवर भाइयों से भी जानकारी लीजिए, आप खुद से पता कीजिए, तभी कोई इलेक्ट्रिक ऑटो लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक ऑटो महंगे भी होते हैं। कब क्या हो जाए, क्योंकि हमारे एक दोस्त का भी ऑटो ऐसा ही है, मगर उनका ऑटो उतना माइलेज नहीं दे रहा, बोल रहे हैं कि 70-80 ऐसे दे रहा, तो ऐसे भी कुछ होता है। तो इसीलिए दोस्तों आप अपनी मर्जी से ही लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रिक ऑटो लीजिए, आपकी मर्जी है जो भी लीजिए, नहीं तो आप CNG भी ले सकते हैं रफ एंड टफ, या आप अगर कोई अपडेटिंग चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पे जाना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्जी से ही कोई भी ऑटो सेलेक्ट कीजिए। तो ये थी दोस्तों इस ऑटो के बारे में 2 साल की जो हमारी जानकारी थी, 2 साल हमने चलाए हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम आए हैं। अब तक तो ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम मुझे नहीं आया, हालांकि बहुत से लोगों को आया है कि कोई कोई ऑटो में भी खराबी आ सकती है, तो ये कह नहीं सकते इलेक्ट्रिक ऑटो हो या CNG ऑटो हो, तो इस हिसाब का ही आप
ख्याल रखते हुए आप अपनी मर्जी से कोई भी व्हीकल ऑटो इलेक्ट्रिक ऑटो परचेस कीजिए। तो मिलते हैं, अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो एक वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।